हाय एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कबाब। टू टेबलस्पून जो हमने लिया रखा हुआ था, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, इसमें जाएगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है और इसमें जाएगा चने का आटा और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर और इसमें जाएगा लेमन जूस। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका और हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स करते हैं। विनेगर डाला है। वन पिंच से भी कम ये हमने फूड कलर डाला है और अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें जाएगा चिकन जो हमने साफ करके रखा हुआ था पहले से, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अप एंड डाउन करके मिक्स करेंगे। यह हमारा चिकन मसाला, चिकन को मसाला लगा के तैयार किया हुआ है। इसे हम 15-20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है मैंने, आप चाहे तो नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज कर सकते हैं, मेरे पास यही थी तो मैंने यही यूज की है। 15 मिनट्स के बाद हमारा मसाला लग के तैयार हो गया है चिकन को और हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसमें से चिकन लेंगे हम। डीप फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। देखिए, पे 5 से 7 मिनट तक हम कुक करेंगे। हमारा चिकन कुक हो गया है, इसे हम बाहर निकालेंगे। चिकन को इसमें शिफ्ट करेंगे इस प्लेट में और डेकोर करेंगे। और गार्निशिंग के लिए मैंने ये करी लीव्स को फ्राई किया था, हम इस पर डाल देंगे हमारा जिंजर कट किया हुआ, ये भी हम इस पे डालेंगे और
और ये लेमन। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करें तस्नीम इंडियन जायके को। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर।